हर्बल नशे का शौक नहीं सुनते रोक टोक, दारू लड़की डेली रोज दिल्ली से है, घर वालों को रही हो नहाते विदाउट सोप, प्रोडक्शन करते डोप दिल्ली से है, चंडिया देते छोड़ बान में बनाते रोज फुक, रोकी नहीं है हाँ हम दिल्ली से है। Well, hi guys, this is Starboy LOC. Catch me on IANS TV and do like, subscribe and comment on the interview and on IANS. Thank you so much. Hi LOC, welcome to IANS. Hi, how are you? I'm good. How are you doing? How's the lockdown treating you? I'm really good. Lockdown is, teaching everything. As such, it was a learning period, but lockdown. So just like that. अपन ने स्टार्ट करा लॉकडाउन। जब हुआ था तो पता नहीं था यार कि इतना स्ट्रिक्ट लॉकडाउन होगा या फिर कुछ, क्योंकि मतलब कभी भी हुआ नहीं लाइफ के अंदर लॉकडाउन, क्या चीज होती है किसी को पता नहीं था कि क्या होने वाला है क्या नहीं होगा, है ना। बट जब हुआ तो बहुत ज्यादा इरिटेशन भी हुई कि हम बाहर नहीं जा पा रहे हैं, बट ऑन द सेम हैंड म्यूजिशियंस को इरिटेशन, मतलब पर्सनली मेरे को इसलिए हुई क्योंकि मेरे जो स्टूडियोज है वो मोहाली है, चंडीगढ़ है, तो अब आप अपने घर से रिकॉर्ड नहीं रख सकते तो आप चंडीगढ़ कैसे जाओगे दिल्ली से, है ना। तो म्यूजिकल दूर, नेटफ्लिक्स कितना कर लोगे, टीवी कितना देख लोगे, और कुकिंग कितनी कर लोगे, जो भी कहते थे हम कुक कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, हम ये सीख रहे हैं, वो सीख रहे हैं, बट अपने लिए तो म्यूजिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो म्यूजिक से काफी दूर हो गया मैं। तो जैसे ही अभी मोदी जी ने थोड़ा सा पीरियड दिया अपने को कि मतलब हम लॉकडाउन थोड़े दिन के लिए खोल रहे हैं, तो अपन ने फटाफट स्टूडियो डाल लिया दिल्ली के अंदर ही, यार म्यूजिक से तो दूर नहीं रहा जाएगा तो फटाफट स्टूडियो डाल दो, जस्ट लाइक दैट। बट घर के कुछ काम सीखे या नहीं सीखे, लाइक बेसिक चीजें? मैंने चाय बनानी सीखी है, मैंने मैगी बनानी सीखी है, मतलब मेरे को आती नहीं थी, मेरे को डर लगता था वो गैस से, मेरे को लगता था कि वो एकदम ऊपर निकल आती है और मतलब कुछ भी जल जुल सकता है उससे, तो मेरे को पता चला वो कम भी होती है ज्यादा भी होती है, सिम सिम बोलते हैं कि गैस सिम पे कर दो, गैस टाइप, तो वो भी मेरे को पता लगी, किचन की लैंग्वेज पता लगी, और बस यही मतलब ये चीजें सीखी मैंने, किचन सीखा मैंने, मतलब ज्यादा नहीं थोड़ा बहुत ही, चाय चूहे टाइप्स। And talking about music, कुछ बनाया और कुछ रिलीज किया? पता क्या हुआ था, मैं एक घर पे था और जो मेरे अरेंज थे वो या मोहाली थे या चंडीगढ़ थे या गाजियाबाद थे। हाँ। तो जो चीज एक ही दिन में होने वाली है ना, फॉर एग्जांपल आप और मैं बैठे हैं साथ में, तो आप बीट बना रहे हो, मैं गाना लिख रहा हूँ, बीट पड़ा है, हमने फटाफट डब करा, वो जोन में आए और गाना बन गया, ये चीज होती है। अब क्या हो रहा था यहाँ से कि मैं लिख रहा था, फिर मैं उनको भेज रहा था व्हाट्सएप पे रिकॉर्ड करके, फिर वो उनका मूड होता था तो वो फिर बीट बना रहे थे, फिर बीट पे सेट कर रहे थे, तो मतलब काम बहुत ज्यादा, जो काम एक दिन का है वो गाना एक महीना ले रहा था, तो बहुत ज्यादा, क्योंकि फिर वो मेरे को भेजते थे कि भाई कैसा लगा, बीट कैसी लगी, फिर मैं चेंजेस बताता था, फिर वो चेंजेस करके भेजते थे, फिर मैं बताता था, मतलब ये सारी चीजें चल रही थी, ऐसे चल रहा था, बहुत दूर दूर से काम होता था, बट काम ऑब्वियसली हो ही रहा था किसी ना किसी तरह। और एंड टॉकिंग अबाउट योर म्यूजिक, मैंने एक कॉमन फैक्टर देखा है आपके गानों में, वो है गाली। जी, गाली नहीं होती, वो स्लैंग होता है एक्चुअली दिल्ली का, मतलब बीइंग अ पंजाबी आई कैन नॉट से गाली, ठीक है और मतलब स्लैंग है जो चीज है वो, मतलब बचपन से स्कूल टाइम जो जितने भी मैंने डाले ना, मैं आपको स्टार्टिंग से बताता हूँ, दिल्ली से उससे पहले भी मेरे ना 5-7 गाने आए थे जो बहुत सभ्याचारी गाने जिसे कहते हैं ना, वो थे, पंजाब साइड से भी आए, डेट साइड से भी आए, सभ्याचारी गाने, बहुत अच्छे गाने, किसी ने लाइक नहीं करा, किसी ने पसंद नहीं करा। जैसे दिल्ली से हूँ आया तो ग्राफ एकदम ऊपर गया। अब मेरे को नहीं पता चला कि क्यों गया, क्या गया, कैसे हुआ, और दिल्ली से हूँ हमने रिलीज करना ही नहीं था, दिल्ली से हूँ हमने बनाया अपने नाचने के लिए, हम अपन डांस करेंगे, अपन करेंगे, क्योंकि उसका सेंसर ऑब्वियसली एनी चांस नहीं मिलता, टीवी पे वो गाना वैसे ही नहीं मिल सकता था, तो हमने ये प्लान आउट करा एक छोटी सी वीडियो करते हैं और यूट्यूब पे डाल देते हैं, हम ही तो सुनेंगे, हमें बार बार ढूंढना पड़ता है। तो YouTube पे हमने एक चैनल बनाया पीकॉक स्टूडियो करके, और हमने वो गाना, बट जनता ने, लोगों ने, आप लोगों ने इतना प्यार दिया, मतलब वो क्लब्स में प्ले होने लग गया, वो छोटे से छोटे बच्चे के फोन में और बड़े से बड़े, मतलब मैं ऐसी चीजें भी देख रहा था कि वो रिक्शे वाले के भी फोन में है और वो किसी कंपनी के CEO के भी फोन में है, वहां से भी हमें कॉल आ रही है यार यू डन अ ग्रेट जॉब। तो मतलब मैन से लेकर ऑल द वे बिजनेसमैन, CEOs, वो भी लाइक कर रहे हैं इस गाने को। हमें शोज मिलते हैं, कॉर्पोरेट शोज मिलते हैं कि CEO चाहते हैं जी हमारे, आप आओ, आप परफॉर्म करो हमारे यहाँ, दिल्ली से वो जरूर गाना है। तो हमने, हम कहते हैं मतलब हमें पता नहीं था कि ये चीज हो जाएगी और लोग एक्सेप्ट कर लेंगे, वो हमने अपने लिए बनाया था, बट फिर वो हमारा राय नहीं, फिर मतलब जनता का हो गया, लोगों का हो गया गाना, लोगों ने इतना प्ले करा, इतना बजाया, और अगेन वो स्लैंग है, वो मतलब कोई आई डोंट थिंक कि वो गाली है या कुछ है। और पहले तो रिलीज ना करने का यही फैक्टर था क्योंकि लोगों ने हमें डराया भी हुआ था कि केस हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। बट ऑल द वे एकदम से सबने एक्सेप्ट करने लग गए तो फिर ऐसा लगा कि यार केस तो होगा ही नहीं, सारे प्यार कर रहे हैं इस गाने को, सारे मेरे को प्यार करने लग गए हैं। कुछ भी हो, चाहे वो मीडिया हो, चाहे वो लोग हो, चाहे वो मैरिजेस हो। मैरिजेस में सोचो दुल्हन कह रही है कि यार एक बार वो सुनाओ ना, दिल्ली से सुनाओ। हाँ। तो मतलब अलग तरह का प्यार चल रहा है, ये चीज हो गई है। बट एक बात बताइए, आई मीन ऑल योर सॉन्ग्स लाइक बी इट दिल्ली से हूँ 100 मिलियन, देन जोना नाचे, अभी इट्स ऑलमोस्ट टचिंग अ मिलियन, व्हाट इज दैट सॉन्ग? ऐसा क्या है आपके गानों में जो इट्स कनेक्टिंग सो मच विद द लिसनर्स? स्ट्रीट लैंग्वेज एक्चुअली, मतलब छोटी गलियों का लड़का हूँ मैं, तो हम मतलब वो एक वर्ड होता है ना सोफिस्टिकेटेड, उस लाइफ में मैं कभी रहा नहीं था। तो बचपन से ही ये था कि स्कूल जाना है, ये ऐसे जाना है, यहाँ ट्यूशन जानी है, मतलब ऐसी चीजें थी कि मेरी लाइफ में कभी भी वो चीजें थी ही नहीं कि यू नो औरों की लाइफ में होती है बॉर्न विद अ गोल्डन स्पून, ये चीज मिल जाएगी, वो चीज मिल जाएगी, ऐसे हो जाएगा वैसे, वो कभी था नहीं। हमें जो करना था खुद बनाना, खुद खाना था। तो स्ट्रीट्स के धक्के खाए। ऐसा भी होता था मेरे साथ कि आई वाज वर्किंग इन अ बीपीओ, ठीक है, तो जब मैं जॉब करता था तो भी मैं स्टूडियोज जाता था। क्यों? क्योंकि मेरे में कीड़ा था रैप करने का उस टाइम पे भी। तो मैं ऐसे ही चले जाता था कि चलो जाता हूँ, देखता हूँ क्या होता है काम स्टूडियो में, कैसे बनाते हैं गाने के। और मेरे को ये नहीं था कि कभी मैं बनूंगा या कुछ होगा, क्योंकि मैं तो जॉब कर रहा हूँ अपनी। मेरी तो 9 to 6 चल रही है, मेरे को सैलरी भी मिल रही है। अब रात को वेले बैठे क्या करें, तो चलो यार स्टूडियो का चक्कर मारते हैं। अब पता भी नहीं था स्टूडियो क्या चीज होती है, वहां जा रहे हैं, वहां गाने सुन रहे हैं, फिर इसमें इंटरेस्ट आ गया कि हाँ ये चीज बनी हमारे लिए, ऐसा लगने लग गया। फिर हनी भाई उस टाइम बहुत ज्यादा इन थे, हनी भाई जो बातें करते थे वो बहुत ज्यादा दिल पे लगती थी कि हाँ यार ये तो अपने जैसा बंदा है, अपनी जैसी बातें कर रहा है, अपनी जैसा फेस ले रहा है, सारी चीजें तो अपनी जैसी है, अगर ये भाई कर सकते हैं तो क्यों नहीं कर सकते। तो फिर मैंने लिखना स्टार्ट करा, फिर लिखते 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 आज से 7-8 साल पहले की बात बता रहा हूँ कि दिल्ली के अंदर ना क्रूज, रैपिंग क्रूज होते थे अलग अलग जगह से, जैसे नॉर्थ का अलग होगा, साउथ का अलग होगा। तो ये जो डिस पार्ट अब चल रहा है ना, रैप में डिस करते हैं एक दूसरे को, ये उस टाइम से चलता आ रहा है कल्चर कि नॉर्थ वालों ने साउथ वालों पे डिस करा है। फिर साउथ के अंदर 5-5 लड़कों का क्रू है, एक इंग्लिश रैप करता है, एक हिंदी रैप करता है, एक पंजाबी रैप करता है, एक सिंगर है, अब ये मारेगा उस पे डिस। फिर मतलब ये चीजें उस आउटपुट के जमाने से चलती हुई आ रही है कि तब से चलता। तो मेरा क्रू होता था डी मनी EDG, उन्होंने मेरा नाम रखा था, उसमें एक बंदा था JD, उसने मेरा नाम रखा था LOC। तो उसने LOC नाम ही इसलिए रखा था जस्ट बिकॉज कह रहा मुंह से बम फोड़ता है और जो तू लिखता है वो बहुत ज्यादा अच्छा लिखता है। और उसी ने पहला गाना रिकॉर्ड कराया था। जब मैं बोल रहा हूँ कि मैं जॉब पे जाता था तो मेरा TL होता था, ही वॉज माई टीम लीडर, उसने बताया कि बहुत अच्छा लिखता है, बहुत अच्छा करता है, चलो गाना रिकॉर्ड कराते हैं। तो मैं फर्स्ट टाइम गाना आया, मैं सुनता रहा अपना ही गाना, मैं कहा ये मेरी वोकल है, मैं अपने आप को सुन रहा हूँ। ऐसे तो मैं हनी भाई को सुनता था, बोहिमिया भाजी को सुनता था, है ना। तो वहां से स्टार्ट हुआ था, आज से 7-8 साल पहले की बात है। अच्छा, बट आपको पता है ना मुंबई वर्सेस दिल्ली कितना होता है, एंड देन आपने सबको एक आंसर दे दिया है क्लब्स में। मैं आपसे होता क्यों है मुंबई वर्सेस दिल्ली, होता क्यों है? हाँ। मेरे को मेरे फ्रेंड्स जो है ना वो भी कहते हैं कि यार मुंबई इज फार बेटर देन दिल्ली, ये है सेफ नहीं है, टाइप्स मतलब ये होता है, वो भी होता है, वो पता नहीं मुंबई दिल्ली होता क्यों है। और ये नहीं रैपिंग में होता है, हर चीज में आ जाता है, हर चीज में बैठ जाते हैं। गिवन अ सॉलिड आंसर विद द सॉन्ग यू हैव कम आउट विद, ना लाइक कुछ भी हो बस ये गाना बजा दो। एंड देन यू डिड नॉट स्टॉप देयर, यू केम आउट विद दिल्ली से हूं पार्ट 2, बट यू शॉट दैट इन दुबई, व्हाई वाज दैट? यस, तो दिल्ली से हूं 2 का भी वो नहीं था, पता है हमने जोना नाचे करना था। हाँ। दिल्ली से हूं 2 जो है वो जोना नाचे ही था, बट जोना नाचे को ना थोड़ा डिले हो रहा था। तो फिर जनता डिमांड कर रही थी कि भाई कुछ चाहिए, ऐसा ही कुछ चाहिए, क्योंकि मैं अपने लिए नहीं, मैंने बहुत क्यूट सॉन्ग्स भी बना रखे हैं, मैंने बहुत रोमांटिक सॉन्ग्स, बट मेरे से मांग ही वो रहे हैं लोग, मैं क्या करूं। मेरे को डेली मैसेज, अब मेरे को आप दिल्ली से हूं 2 के नीचे जाके कमेंट्स पढ़ना, वो कह रहे हैं वी आर रेडी फॉर दिल्ली से हूं 3, तो कुछ नहीं मुझे अब क्या, मतलब जो डिमांड है वो ही पूरी करेंगे ना। बट लकीली बहुत ज्यादा सोफिस्टिकेटेड गाना शूट हो रहा है 15 को, बहुत ज्यादा प्यारा लड़कियों के फेवर में, और यू नो लवी डवी टाइप्स। तो लेट्स सी उसका रिस्पांस आता है और उसको कैसे प्यार करते हैं लोग। मुझे एक चीज और समझना है, आपने जो गाना बनाया है जोना नाचे जी, तो जोना नाचे के बाद फिल इन द ब्लैंक्स क्यों है? फिल इन द, वो यार दिल्ली से उनके बाद भी फिल इन द ब्लैंक्स ही था, वो तो सिर्फ YouTube पे डालना था। नहीं मैं वैसे करूं, एट द स्टार्टिंग हमने फिल इन द ब्लैंक्स ही रखा हुआ था उसको, इसको भी नहीं रखना था, बट फिर से वही वाला चक्कर था क्योंकि हमारा दिल्ली से होना जस्ट बिकॉज ऑफ दैट वर्ड उड़ गया था। अच्छा, YouTube उड़ गया था, पीकॉक हमारा चैनल ही उड़ गया था, किसी ने स्ट्राइक मार दिया था। अभी जोना नाचे के साथ भी ऐसे ही हुआ, ये भी गाना उड़ गया था, फिर ऑटोमेटिकली वापस आया, हमने यूट्यूब को बोला कि इसमें तो कुछ वल्गैरिटी है ही नहीं, तो आप कैसे उड़ा सकते हो, ये चीज हुई थी। फिर वापस आया गाना। अदरवाइज यूट्यूब वाले अपने नॉर्म्स और अपने उससे हैं कि मतलब ब्लैंक क्यों रखा होगा, क्योंकि आप मूवीज देख लो, आप वेब सीरीज देख लो या कुछ भी देख लो, वो भी तो चल रही है राइट, और उनमें भी ये वर्ड यूज हो रहे हैं। तो अगर हर यूज हो रहे हैं, गानों में यूज होते हैं, तो इट्स नॉट अ बिग डील व्हाट आई बिलीव। और अगर जनता प्यार कर रही है तो ऑब्वियसली इट्स नॉट अ बिग डील। अगर तो या तो हो ना कि पसंद ना आ रहा हो या जनता कह रही हो कि व्हाट इज दिस बुलशिट या चल ना रहा हो। मेरे को डेली के हिसाब से डेली मतलब कम से कम 100-150 लोग टैग करते हैं, कोई दिल्ली सॉन्ग बजा रहा होता है, कोई दिल्ली सॉन्ग 2 बजा रहा होता है, कोई भी मतलब बज रहा होता है वो, और पता नहीं कहाँ भी तो लॉक, पता भी नहीं कहाँ कहाँ बजा रहे हैं, कैसी कैसी पार्टीज में बज रहा है, कहाँ कहाँ बज रहा है पता नहीं, अंडरग्राउंड बज रहा है, मतलब ऐसा हो रहा है मेरे। अच्छा, ऑल्सो आपकी 2 गाने बॉलीवुड के लिए चूज हुई थी एंड देन इट गॉट ड्रॉप्ड, व्हाई वाज दैट, व्हाट ऐसा क्या हुआ गाने ड्रॉप पड़े? एक्चुअली 3 हुए थे, एक तो लैला बंद हो गई हुआ था, बट फिर वो 2 साल तक अटका रहा गाना, वो नहीं आया। हमें ये था कि आएगा आएगा, क्योंकि वी गॉट द कैश अमाउंट फ्रॉम देयर, पैसा आ गया था हमारे पास, लग रहा था कि हाँ आ जाएगा गाना, बट जैसी मूवी रिलीज हुई मूवी में गाना नहीं था। मूवी रिलीज होने के 1 हफ्ता पहले हमारे पास एक और चीज आई कि रफ्ता रफ्ता गाने का रीमेक करना है, वो भी YBD 3 का ही था, तो वो भी नहीं आया, वो भी मैंने बना के दिया था। फिर बात चल रही थी कि मैंश पाजी का म्यूजिक होगा, रफ्तार भाई का रैप होगा, मेरे लिरिक्स होंगे, वो चीज भी वर्कआउट नहीं करी। आई डोंट नो मतलब लास्ट टाइम पर कौन लोग आ जाते हैं या फिर क्या चीज होती है, वो इंटरनल उनका जो भी होता है, तो नहीं हो पाया। फिर जोना नाचे एक शॉर्ट मूवी में लगा हुआ है, लेट्स सी अब वो आता है या नहीं आता, या उसका भी मतलब ऐसा ही होगा कि लास्ट टाइम पे हट जाएगा, मतलब हम कुछ कह नहीं सकते, इट्स रियली अनप्रेडिक्टेबल। तब जब तक रहेगा तब तक ऐसा लगता है कि हाँ कल ही गाना आ जाएगा, कल ही खुलेगा, यू नो बिग स्क्रीन, ये वो फैलेगा गाना, सारी चीजें होंगी, बट नेक्स्ट डे पता लगता है कि गाना तो है ही नहीं मूवी में, ऐसा हो जाता है एकदम से। और यू नो जैसे रैप की बात कर रहे हैं, रैप स्पेशली इंडियन फिल्म्स में उसका बहुत एवोल्यूशन हुआ है। देयर इज फ्रॉम कार्स, गर्ल्स एंड पार्टीज टू नाउ पीपल आर एक्चुअली मेकिंग सॉन्ग्स व्हिच आर मोर meaningful. So your songs are catering to the party people. Why is that? आपने अपने गाने को भी evolve करने की कोशिश क्यों नहीं की? इवॉल्व करने की कोशिश तो मैंने काफी करी है, आप एक बार जाके सर्च करना, आपको सच्ची में दिखेंगे मेरे गाने, वो वाले गाने भी जो मतलब मैंने अपने लिए बनाए। मैंने सैड सॉन्ग बनाया, उसके व्यू गए 3 लाख, मैंने दिल्ली सॉन्ग बनाया, उसके गए 100 मिलियन। तो आप खुद बताओ लोग मेरे से क्या डिमांड करते हैं, वो वाली चीज है। और कभी भी मैं फेक व्यूज पे जाना नहीं चाहता, क्योंकि आप अपनी यू नो अपनी वर्सटैलिटी खो देते हो उसके अंदर, क्योंकि अगर आप फेक व्यूज पे गए, जैसे ही गए तो आपको पता नहीं रहता कि आपको कितने लोग देख रहे हैं, कितने कमेंट्स रियल हैं, क्या चीज है क्या चीज नहीं है। अब एटलीस्ट जो लोग मेरे को देख रहे हैं वही लोग मेरे को देख रहे हैं ना, चाहे वो 1 मिलियन अभी 15 दिन बाद होगा मेरा जोना नाचे, बट एटलीस्ट लोगों ने देखा और लोगों ने पसंद करा, लोग चला रहे हैं उस गाने को, एटलीस्ट वो फेक नहीं है और नंबर गेम्स नहीं है एक्चुअली। क्योंकि 1 मिलियन मतलब होता है 10 लाख, अगर 10 लाख लोगों ने आपको देखा तो बहुत होते हैं 10 लाख लोग। 10 लाख लोग अगर शो पर आ जाए तो शो सुपर डुपर हिट है आपका। एब्सोल्युटली अग्रीड। और फेक न्यूज की अगर बात करें तो अभी योर फ्रेंड योर कॉलीग मिस्टर बादशाह वाज इन अ यू नो ऐसे बोलते कंट्रोवर्सी में फंस गए थे ऑन फेक व्यूज। व्हाट इज योर टेक, डू यू थिंक दैट व्यूज अपने गाने को या अपने आप को प्रमोट करने के लिए फेक व्यूज की जरूरत है? देखो मैं कभी भी चाहूंगा नहीं कि मेरे गानों पे फेक व्यूज जाए, या फिर आई रियली डोंट वांट कि मेरे को कोई व्यूज के नाम से जज करे। आप एक क्लब में रहते हैं, वहां पर हनी भाई भी बज रहे हैं, वहां पर बादशाह भी बज रहे हैं, वहां पर LOC भी बज रहा है, दैट मींस मेरा गाना हिट है राइट। ये चीज नहीं है कि व्यू होएगा तभी मेरा गाना हिट है। अगर लोग सुन रहे हैं, लोग बजा रहे हैं, लोग नाच रहे हैं तो मेरा गाना, मेरे गाने वो नहीं है कि आप रात को कानों में लीड लगाओ और सुनते सुनते सो जाओ, ऐसे गाने बिल्कुल नहीं है मेरे। वैसे दुनिया बहुत उदास चल रही है, सैड चल रही है, तो सैड गाने मैं वैसे भी नहीं बनाता, बहुत रेयर बनाता हूँ, बहुत ज्यादा रेयर। पार्टी नंबर, आप पार्टी जाओ, क्लब जाओ, ढिंचक ढिंचक करो, मतलब फील आया आपको डांस करने की, पार्टी करने की, मेरे वो वाले गाने हैं राइट। और जो जहां तक बात रही है फेक की और ये सारी चीजों की कि वो फंस गए थे, देखो हर कंपनी का अलग अलग वो चलता है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल वो किसी एक्स कंपनी से साइन थे है ना, कंपनी को अपना आर्टिस्ट बड़ा करने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ता है, क्योंकि सारी चीजें घूम के बिजनेस पे आ जाती है। ये चीज है, अगर आर्टिस्ट बड़ा होगा तो बिजनेस ज्यादा मिलेगा। अब चाहे वो फिर कहीं कसर नहीं छोड़ते, चाहे वो फेक व्यूज हो या कुछ भी हो, वो दैट इज टोटली देयर कॉल, हम कुछ भी नहीं कर सकते उसके अंदर, बट हम अपने चल सकते हैं जैसे अपन चल रहे हैं। अब फायर गाना है मेरा एक, वो 1.1 मिलियन एक साल हुआ जी से आया है, 1 रुपए की प्रमोशन नहीं। मतलब जी वालों को भी मैंने बोल दिया था कि आप कुछ मत लगाना। मैंने कहा मैं देखना चाहता हूँ ये चलेगा कैसे, ग्रो कैसे करेगा। 1 साल में 1 मिलियन हुआ, बट मेरे को बताना लोग मेरे को कम से कम 15-20 वीडियोस डेली की टैग होती है कि वो सुन रहे हैं, वो में चला रहे हैं, वो बजा रहे हैं, तो मतलब गाना चल रहा है। हर्बल नशे का शौक नहीं सुनते रोक टोक, दारू लड़की डेली रोज दिल्ली से है, घर वालों को रही हो नहाते विदाउट सो, प्रोडक्शन करते डोप दिल्ली से है, चंडियां देते छोड़ बान में बनाते रोज फुकरों की नहीं है, हाँ हम दिल्ली से है। Thank you so much. Thank you. Well, hi guys, this is Starboy LOC. Catch me on IANS TV and do like, subscribe and comment on the interview and on IANS. Thank you so much. Thank you.